Hi kids, hello everyone, ki haal chaal, welcome to an academy topper channel. This is your favorite G square और आज हम खत्म करने वाले हैं anatomy of flowering plants. तो आज ये इसकी final class होगी. आज मैं सारी चीजें याद करा के तुम्हें अच्छे से भेज दूंगी कि जाओ मेरी सिमरनो, जाओ मेरे राहुलो, जाओ मेरे प्रेम, सब जाओ और अच्छे से नीट फोड़ के आओ. अब जो तुम्हारी एक शिकायत रहती थी, मैम ये वाला चैप्टर आपने नहीं करा, ये मेरे से नहीं होता, वो वाली आप शिकायत खत्म हो जाएगी. मैंने अपनी जान पूरी लगा दी, इतना इतना टाइट स्केड्यूल यार, रात रात भर बैठ के मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया. और बेसिकली आई ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द वेज हाउ आई कैन मेक यू लर्न. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम देख लेते हैं हमने कहाँ तक किया था और आज हमें कहाँ से शुरू करना है. तो ये हमारी एनसीईआरटी है, अपनी तुम्हारी हम सबकी एनसीईआरटी. आज हमको ये करना है बेसिकली. ठीक है, वी हैव टू डू दिस. ये भयंकर डायग्राम्स देख के मत डरो, क्योंकि बहुत आसान डायग्राम्स मैंने बनाए हैं तुम लोगों के लिए, विच कैन रियली हेल्प यू आउट टू लर्न ऑल दिस. नाउ बिफोर आई स्टार्ट, कल सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास है जिसमें मॉक टेस्ट विद नो ब्रेक्स चल रहे हैं. फटाफट से उसे जरूर ज्वाइन करना है कल सुबह 11:30 बजे. लिंक मैंने उसका दिया हुआ है चैट सेक्शन में. ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. यहाँ से हमने शुरू किया था लास्ट वाला लेक्चर जो था, वो समझ में आया नहीं आया पहले तो मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में. यस, पहले तो मुझे ये बताओ समझ आया या नहीं आया. तो ये सारा मैंने लास्ट क्लास में बताया था. नाउ बिफोर आई स्टार्ट टूडे, आज मैं शुरू करूं फ्लोएम, जाइलम, टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल, वास्कुलर सिस्टम. ठीक है, ये कॉर्टेक्स, ये सब मैंने बता दिया. आज मुझे यहां से शुरू करना है, दैट इज एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट एंड स्टेम. ये और करना है, हमको लीव भी करना है. तो नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, मैं आप बच्चों के साथ एक चीज रिवाइज करना चाहूंगी आज, क्योंकि अगर हमको वो क्लियर है ना, तो आज का ये चैप्टर मात्र 45 मिनट में खत्म हो सकता है, अगर आपको वो सारी चीजें याद है तो. तो आर यू ऑल सेट टू रिवाइज विद मी? यस बच्चों, जल्दी बताओ. यस मैम, क्या पढ़ा रही है? ये वो बच्चे हैं जो बस आ जाते हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्हें बस डॉक्टर बनना है, बट कैसे बनना है ये पता ही नहीं है. यस, इन्हें पता ही नहीं है. इन्हें पता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बट कैसे बनना है ये इन्हें पता ही नहीं है. ठीक है, यस चलो आ जाओ. तो अब आते हैं हम बेटा आज की क्लास में. तो सबसे पहले हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत आसान हो जाएगा आज के सारे स्ट्रक्चर्स को समझना और बताना, क्योंकि जो हमने टिश्यू सिस्टम किए वही ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, बस हमें ही याद करना है. ठीक है चलो. मैम समझ ही नहीं, याद हो गया मैम. अच्छा, ओ समझ नहीं आया और याद हो गया, ये लेजेंड्स है. ठीक है, ये लेजेंड्स है. आ जाओ बेटा, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं. लास्ट क्लास में मैम ने प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की लोकेशन बताई थी, याद है बच्चों आपको? प्रोटोजाइलम वो था जो पहले आता है, मेटाजाइलम वो है जो जीवन के कार्यकाल में बाद में आता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिक मैंने बताई थी, पीकर आया, पी के अंदर आया तो तुझे सूद दूंगी. ठीक है, ये बोल रही है कौन? ये कमोलिका बोल रही है किसको? अनुराग को. ठीक है, पी के अंदर आया तो सूद दूंगी तुझे. अब ये ट्रिक क्या है? पी माने पिट, ये जो हमारी पिट होती है इसके पास प्रेजेंट होता है प्रोटोजाइलम, फिर आता है मेटाजाइलम. तो ये हो गया अरेंजमेंट. और ये अंदर की तरफ है, पिट के अंदर की तरफ जो है प्रोटोजाइलम है, बाहर की तरफ मेटाजाइलम है. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एंडार्क. सूद दूंगी किसमें प्रेजेंट होगा? स्टेम में. तो चाहे वो मोनोकॉट की स्टेम हो या डाइकॉट की स्टेम हो, स्टेम तो स्टेम है. और दोनों में ही जो अरेंजमेंट देखने को मिलेगा वो एंडार्क अरेंजमेंट देखने को मिलेगा. क्या हमको ये समझ में लगा या नहीं लगा, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में. यस, तो अगर मैं कहूंगी एंडार्क अरेंजमेंट, मोनोकॉट में होता है, डाइकॉट में होता है, या बोथ वन एंड टू, तो आपका आंसर होगा चाहे एंडार्क अरेंजमेंट है, चाहे वो मोनोकॉट स्टेम हो, डाइकॉट स्टेम हो, दोनों में एक ही अरेंजमेंट रहने वाला है, दैट इज एंडार्क अरेंजमेंट. ठीक है, अब आते हैं इसकी उल्टी, यानी कि पिट के पास पहले मेटाजाइलम होगा फिर प्रोटोजाइलम होगा, और ये अरेंजमेंट को हम एग्जाक कहेंगे. और ये हमें रूट्स में देखने को मिलता है. किसमें देखने को मिलता है? रूट्स में देखने को मिलता है. अब चाहे वो रूट मोनोकॉट की हो या वो रूट डाइकॉट की हो, दोनों में ही हमें कौन सा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा? एग्जार्क अरेंजमेंट देखने को मिलेगा. तो जब मैं एनाटॉमी पढ़ाऊंगी रूट और स्टेम की, तो वहां पे जब मैं कहूंगी व्हाट इज अरेंजमेंट ऑफ जाइलम, तो आपका आंसर आना चाहिए स्टेम में एंडार्क, चाहे वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, आपका आंसर आना चाहिए एग्जार्क जब एनाटॉमी ऑफ रूट करेंगे. ठीक है, चाहे वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो. पहली चीज सबको क्लियर है, अब आते हैं दूसरी चीज पे. ठीक है, दूसरी चीज मैंने बताई थी आपको वास्कुलर बंडल, याद है बच्चों?
वैस्कुलर बंडल्स। अब वैस्कुलर बंडल्स क्या थे हमारे, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो क्या होते हैं वैस्कुलर बंडल्स, बेसिकली यहाँ पे हमारे जाइलम फ्लोएम होते हैं, उनके किस तरीके से अरेंजमेंट है उस पे भी हमने दो चीजें की थी। इसके भी हमने दो टाइप्स किए थे, एक ट्रिक थी हमारी RRR, ये एक मूवी का नाम है जो अभी आई है। आर मीन्स रेडियल अरेंजमेंट है, ठीक है, आर मीन्स रूट में ये मिलता है, आर मीन्स अलग अलग रेडियस पे होता है, यानी कि जो हमारा जाइलम एंड फ्लोएम है वो रूट के अंदर अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से अलग अलग रेडियस पे वो प्रेजेंट होगा। तो चाहे वो मोनोकॉट की रूट हो या डाइकॉट की रूट हो, दोनों में ही जो अरेंजमेंट मुझे देखने को मिलेगा वैस्कुलर बंडल का, वो कैसा देखने को मिलेगा मुझे, रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट रूट हो। इतना आपको समझ में लगा? यस बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब यहाँ पे एक था कॉन्जॉइंट, डर लगता है मुझको, ठीक है, तो देखो कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट के नाम से पता लग रहा है यहाँ पे स्टेम के अंदर होगा, क्योंकि स्टेम क्या है, अकेली खड़ी है गुंडों के बीच में, तो उसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो ये पास पास होते हैं, ठीक है बच्चों, ये हमेशा स्टेम में मिलेगा, चाहे वो मोनोकॉट की हो या डायकॉट की हो, हमेशा स्टेम के अंदर हमें कॉन्जॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। बट कॉन्जॉइंट भी दो टाइप के होते हैं, तो सबसे अमीर कौन था हमारा, डायकॉट, ठीक है, हमारे एंजियोस्पर्म्स। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, डाइकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम के बीच में मिलेगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या मिलेगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। वहीं पे इस टाइप को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज ओपन टाइप, बट क्लोज टाइप हमें मोनोकॉट्स में मिलता है, जहां पे सिर्फ फ्लोएम और जाइलम है, इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का सेकेंडरी ग्रोथ का ऑप्शन नहीं है, इसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नहीं है। इतना आपको समझ में लगा, ये लास्ट क्लास में किया था, यहीं से मेजर क्वेश्चन हमारे आते हैं, ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, लेट्स गो अहेड। ये एक स्टोरी है, थैंक्स टू रितु मैम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, थैंक्स टू रितु मैम भाई, उन्होंने ये चैप्टर मेरे को समझाया है, सही बता रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है हमारा डाइकॉट और एक है हमारा मोनोकॉट, ठीक है। अब स्टोरी ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी स्टोरी है ये, मुझे बड़ी प्यारी लगी। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत मोटी डंडी है, मोटी डंडी क्यों है, मोटे क्यों होते हो आप, सेकेंडरी ग्रोथ के कारण आप मोटे क्यों हो रहे हो, गर्थ क्यों इंक्रीज हो रहा है आपका, क्योंकि आपके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है आपके अंदर, सेकेंडरी ग्रोथ, और जहां मोटा ताना होता है, मोटी लकड़ी होती है, वहां सेकेंडरी ग्रोथ है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, डाइकॉट, क्या होता है, डाइकॉट। तो यानी कि यहाँ पे हम किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट डाइकॉट्स, किसकी बात कर रहे हैं हम, डाइकॉट्स की। तो डाइकॉट्स की डंडी मोटी होती है क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ठीक है। वहीं पे अगर मोनोकॉट प्लांट की मैं बात करूं, तो वहां पे डंडी क्या है बेटा, पतली सी है, अपने आप को सहारा दी हुई है, ठीक है, पतली लड़की, ठीक है, उड़ जाए तो उड़ी जाएगी, वरना तो आप संभाल कैसे पाएंगे। तो पतली है, पतली क्यों है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, कोई फैट आया ही नहीं इसकी जिंदगी में, तो ना ही सेकेंडरी ग्रोथ रूट में है, ना ही शूट में है, क्योंकि इसके पास लेटरल मेरिस्टम होता ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको पहचान करनी है, आंखों देखी पहचान की, भाई ये डाइकॉट है या मोनोकॉट है, तो आप देखना उसका ताना कितना मोटा है, अगर ताना बहुत मोटा है तो मतलब डाइकॉट प्लांट है, ठीक है। अगर उसकी लकड़ी बहुत पतली है तो आपको क्या, भाई ये मोनोकॉट है, ये मोनोकॉट है, क्योंकि ये पतली है और अपने में खड़ी है। जैसे वीट, वीट का पेड़ बहुत लंबा होता है पर डंडी मोटी नहीं होती, डंडी मोटी नहीं होती, अगर आपने वीट का देखा हो तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बेटा, सबसे पहले मोनोकॉट देखते हैं, मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल। और हमारे ब्रह्मांड में एक चीज है जो है सन, वो भी सिंगल तुम्हारी तरह, ठीक है। तो मोनोकॉट्स के अंदर एक सन है, रूट में हमें याद रखना है सन। ये सन मैं क्यों बता रही हूं, मैं आपको बताती हूँ इसकी स्टोरी, अभी मैं बताऊंगी कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सन है, अब ये जो सन है आप क्या देख रहे हैं कि सन जब आता है तो जो लड़कियां होती है वो स्कूटी पे एक नकाब पहन के घूमती है, आपने देखा है, और आजकल वो नकाब बड़े सुंदर सुंदर आते हैं। तो सन है, ठीक है, और सन से बचने के लिए एक ओढ़ ली है मैंने नकाब, और नकाब पे जड़े हुए हैं बहुत सारे क्या, सितारे, क्योंकि टैनिंग नहीं होनी चाहिए ना दीदी को, अगर दीदी को टैनिंग होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये है एक पहली स्टोरी। तो यानी कि जब मैं इसकी स्टेम की बात करूंगी तो मेरे दिमाग में आएगा दीदी का नकाब, ठीक है,
और जब मैं मोनोकॉट की रूट की बात करूंगी तो मेरे दिमाग में आएगा सन। कैसे याद करेंगे? मोनो मीन सिंगल, सिंगल क्या होता है? सन। बट बहुत सारे जो आकाश में दिखते हैं वो क्या होते हैं? सितारे। तो डाइकॉट से याद रखना बहुत सारे सितारे, यानी कि इसकी जो रूट है वो स्टार शेप्ड होगी। कैसे होगी मैं आपको बताऊंगी, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ जाइलम, ठीक है। वहीं पे स्टार को देखने के लिए तो बड़े सारे लोग जाते हैं, दृष्टि भी जाती है, विशाल भी जाता है, हर कोई जाता है। यस बिल्कुल, तो सब देखने जाते हैं, विशाल जाता है देखने। बड़ी स्मार्ट है नौरा, आ गई नौरा, ठीक है। तो जब स्टार आता है तो उसे देखने बहुत सारे जाते हैं और सब ऐसे ऐसे देख रहे होते हैं, नौरा आ गई नौरा आ गई। तो ये है चीज, ठीक है। यस, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि लोग बहुत सारे झांक रहे हैं, क्योंकि ये अरेंजमेंट अभी मैं बनाऊंगी द स्टेम ऑफ डाइकॉट का, ठीक है। तो ये दो स्टोरी है बच्चों, याद रखनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों रूट ऑफ डाइकॉट, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? डाई मीन्स दो, एक से तो ज्यादा ही होता है ना, तो यानी कि आपके दिमाग में आना चाहिए स्टार, ठीक है। अगर मैं कहूं रूट ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट सिंगल, सिंगल कौन होता है ब्रह्मांड में? सन, ठीक है। अब ये क्या है? दिस इज अ बेसिकली पिट, अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये वाली स्टोरी समझ में आई? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, यस जल्दी बताओ। अरे यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं आया तो नहीं आया, इतना बड़ा टेलीग्राम है, 1,10,000 बच्चे हैं, तब भी उसमें नहीं तुम्हें बुलाना पड़ता है, ना लायक कहेंगे। चलिए बेटा अब आते हैं डायग्राम। क्या ये डायग्राम आपको दिख रहा है? क्या आप ये डायग्राम मेरे साथ बनाएंगे? बहुत अमेजिंग, ये डायग्राम मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, और पता है आप खुद बनाएंगे मेरे साथ। तो अब एक फ्रेश पेज निकालो बच्चों, फटाफट से एक फ्रेश पेज निकालो मैम के साथ। जो जो बच्चा मुझे सिंसियरली देख रहा है और जिस जिस बच्चे को ये आज याद करके जाना है, वो फटाफट से मेरे साथ एक ब्लैंक पेज निकाल लो। अब मैं बनाऊंगी और आप मेरे साथ बनाएंगे, ठीक है। अब हम बनाएंगे डाइकॉट रूट, यहाँ पे मैं डाइकॉट रूट बनाऊंगी, ठीक है। और फिर हम मैच करेंगे इस डायग्राम को, हम साथ में बनाएंगे बच्चों आज। डायग्राम भी है बट हम साथ में भी बनाएंगे डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट से क्या याद आता है हमें? स्टार। क्या याद आता है हमें? स्टार, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मुझे डाइकॉट रूट का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है नीट में, तो मुझे दो चीजें सबसे पहले लिखनी है। अगर रूट की बात हो रही है तो अरेंजमेंट एग्जैक्ट है या एंडार्क, जल्दी बता दो चैट बॉक्स में, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, कम ऑन गाइस जल्दी बताओ। दो चीजें अगर तुम्हें पता है तो अभी झट से मैं डायग्राम बना दूंगी। अगर रूट है तो मेरे दिमाग में एग्जैक्ट आएगा एंडार्क। अरे भाई एनर्जी नहीं है तो बता दो, अगर एनर्जी नहीं है तो बता दो, एग्जार्क, ठीक है। क्या आएगा? एग्जार्क। दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में आएगी वो मेरा रेडियल अरेंजमेंट या कॉन्जॉइंट, जल्दी बताओ कौन सा अरेंजमेंट मेरे दिमाग में आएगा, रेडियल या कॉन्जॉइंट? रूट है तो कौन सा आएगा? रेडियल, ठीक है। तीसरी चीज डायकॉट रूट है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी या नहीं होगी? सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, डन बच्चों, ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम इसका, ये डायग्राम बनाते हैं, चलिए आइए। तो सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं डायग्राम को, तो सबसे बाहर हम एपिडर्मिस बनाते हैं, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग, राइट। तो ये है हमारी एपिडर्मिस, ये मेरे एपिडर्मल सेल्स है, और यहाँ पे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स है मेरे बच्चों। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इन यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं? रूट हेयर। और ये मेरी क्या है? एपिडर्मिस। क्या है ये मेरी? एपिडर्मिस। क्या यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट होगा? ये भी नीट का एक क्वेश्चन हो सकता है। क्या यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, येस और नो? बेटा ये तो वैसे ही धरती में है, इसके ऊपर सनलाइट कभी आएगी नहीं, यहाँ से कभी ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं, तो क्या यहाँ पे क्यूटिकल होगा? कभी नहीं होगा, यहाँ पे क्यूटिकल कभी नहीं होगा, ठीक है, नेवर, यहाँ पे क्यूटिकल नहीं है। अब आते हैं, सिंस ये रूट है, रूट के अंदर हाइपोडर्मिस होती है, क्या इसे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की जरूरत है? ये वैसी धसी हुई है जमीन के अंदर, इसे स्ट्रेंथ की जरूरत है? जरूरत तो उसे होगी ना जो गुंडों के बीच में अकेली है, ठीक है। तो यानी कि इसे रूट को हाइपोडर्मिस यानी स्ट्रेंथ की, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हाइपोडर्मिस खत्म, ठीक है। अब हाइपोडर्मिस नहीं है तो एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, फिर आता है कॉर्टेक्स। तो ये है हमारा जनरल कॉर्टेक्स। क्या है बच्चों? दिस इज आवर जनरल कॉर्टेक्स विच इज वेरी मच लिविंग, और जो लिविंग होता है उसके पास कौन से सेल्स होते हैं? पढ़ाई करने वाले, यानी कि पैरेन्काइमेटस सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं बच्चों? यहाँ पे होंगे हमारे पैरेन्काइमा के सेल्स, ठीक है। अब कॉर्टेक्स के नीचे
एक और सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं इनका क्या नाम होता है? एनीबडी हु कैन हेल्प मी इन द चैट बॉक्स। यहाँ पे जो सेल्स हैं इनका नाम है एंडोडर्मल सेल्स, यानी एंडोडर्मिस। ये हो गई हमारी एंडोडर्मिस। बट एंडोडर्मिस इन रूट्स में खासियत होती है, इसके पास एक स्ट्रिप होती है। वो स्ट्रिप किससे बनी होती है बच्चों? वो स्ट्रिप बनी होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या होती है वो? कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, जो कि बनी होती है सुब्रिन से। ये जो सुब्रिन होता है ना, दिस डज नॉट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। क्या करता है? ये पानी को जाने ही नहीं देता है। तो यानी कि जो भी पानी यहां तक आएगा वो एपोप्लास्टिक पाथवे से आएगा। यानी कि 95% पानी यहां तक किस माध्यम से आ रहा है? एपोप्लास्टिक माध्यम से। बट आगे उसको नहीं जाने दे रहा, क्योंकि वहां पे सुब्रिन है। क्या बच्चों? वहां पे सुब्रिन। और सुब्रिन के कारण अब पानी तो जा नहीं सकता एपोप्लास्टिक मूवमेंट से, तो अब पानी का जो मूवमेंट होगा वो सिम्प्लास्टिक होगा। कैसा मूवमेंट होगा बच्चों? यहाँ पे अब होगा सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। कैसा मूवमेंट होगा? सिम्प्लास्टिक। ठीक है, ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट है। एंड यहाँ पे एटीपी भी खर्च होगा। क्या खर्च होगा? एटीपी। ठीक है, अब एंडोडर्मिस के अंदर क्या आता है? जो भी हिस्सा एंडोडर्मिस के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? चैट बॉक्स में जल्दी बताओ, तब तक मैं इतने डायग्राम बनाती हूँ, फटाफट से बताओ मुझे। यस, हर चीज बार बार रिवाइज करेंगे तो ये चैप्टर यूट्यूब पे ही याद करके जा सकते हैं, कहीं जाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी हिस्सा एंडोडर्मिस के अंदर होता है उसको हम स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्टील कहते हैं। ठीक है, तो ये अंदर का हिस्सा हो गया। और जो पहला हिस्सा है उसे हम कहते हैं पेरिसाइकल। क्या कहते हैं इसे? पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकल के बाद मुझे बनाने वैस्कुलर बंडल। ये वैस्कुलर बंडल अलग अलग रेडियस पे साथ में जुड़े हुए हैं, बताना जरा चैट बॉक्स में। क्या पढ़ा रही हूं मैं? रूट पढ़ा रही हूं, डाइकॉट रूट। तो यहां पे कैसा अरेंजमेंट होगा? आर आर आर, रेडियल रूट अलग अलग रेडियस। ठीक है, यानी कि यहां पे मेरा है क्या? पिथ के पास क्या होगा? ये रूट है, एक्सार्क अरेंजमेंट होगा। यानी कि पिट के पास मेटाजाइलम होगा। तो ये मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, फिर से ये मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, फिर से ये मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, फिर से ये मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। तो ये हो गया जाइलम। अब इन जाइलम के बीच में बना हुआ है फ्लोयम। ये हो गया फ्लोयम, छोटा सा फ्लोयम। क्या हो गया? छोटा सा फ्लोयम। तो ये हो गया अरेंजमेंट। अब इन दोनों के, फ्लोयम और जाइलम के बीच में भी एक टिश्यू प्रेजेंट है जिसका नाम है कंजक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है बच्चों इन दोनों के बीच में? कंजक्टिव टिश्यू। अब आते हैं शेप। लेट्स क्रिएट द शेप। मैंने क्या बताया था? डाइकॉट रूट, बहुत सारे सितारे। ये देख रहे हो आप? कैन यू सी शेप कैसी बन रही है? सितारे जैसी। कैन यू सी इट? इट अपियर्स लाइक अ स्टार। और जो यहाँ पे पिट का साइज है वो बेहद रिड्यूस हो चुका है। तो जो ये पिट का साइज है ये रिड्यूस हो चुका है, इसे हम कहते हैं इनकॉन्स्पिक्यूअस पिट। तो यहाँ पे डाइकॉट्स में जो पिट का ल्यूमेन है वो बहुत छोटा होगा। समझ आया नहीं आया? जो ये पेरिसाइकल है, इसी पेरिसाइकल से हमारी लेटरल रूट्स निकलती है। कहां से निकलती है हमारी लेटरल रूट्स? हमारी पेरिसाइकल से निकलती है। तो बेटा, इज दिस स्ट्रक्चर क्लियर? मुझे लगता है यही स्ट्रक्चर है पूरा एनसीईआरटी में भी, यही है, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यस, चलिए। तो सबसे पहले क्या है बच्चों? सबसे पहले हमारा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के पास क्या है? रूट है। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा? फिर आता है हमारा कॉर्टेक्स। फिर कॉर्टेक्स के बाद क्या आता है हमारा? एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस के पास क्या है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जो पानी को आने नहीं देती। तो यहां तक पानी का मूवमेंट एपोप्लास्टिक होगा, इसके आगे पानी का मूवमेंट सिम्प्लास्टिक होगा। ठीक है, उसके बाद पेरिसाइकल, यानी कि स्टील शुरू हो चुका है। अब पेरिसाइकल यहाँ पे आ गया, अब पेरिसाइकल यहाँ पे आ चुका है। एंड दिस पेरिसाइकल ऑल्सो हैव अ रोल इन सेकेंडरी ग्रोथ। अभी मैं आपको बताऊंगी सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स में। ठीक है, यहाँ पे पिट का साइज एक स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस हो चुका है, क्योंकि जाइलम बहुत ज्यादा एनलार्ज्ड है। एग्जैक्ट अरेंजमेंट है जाइलम का, फिर हमारे पास फ्लोएम है, दोनों के बीच में कंजक्टिव टिश्यू। बेटा समझ में आया? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे सब, क्लियर हुआ? यस। अब देखो, ये हमने सेम डायग्राम बनाया, अब हम मोनोकॉट रूट का डायग्राम बनाएंगे। ये तो और भी बहुत सिंपल है।
फिर से सब एक मैम के साथ पेज लेंगे एंड वी स्टार्ट। अब मान लो कि मोनोकॉट रूट आ गई, कोई भी क्वेश्चन नीट में मोनोकॉट रूट का आ गया। मोनो मींस सिंगल, सिंगल क्या होता है सन, पहले तो सन याद रखना है। दूसरी चीज ये रूट है तो अरेंजमेंट कैसा होगा, रेडियल अरेंजमेंट जाइलम और फ्लोएम का। सिंस ये रूट है तो अरेंजमेंट एग्जाक होगा या एंडाक होगा, जल्दी से बताओ। बस 3 पॉइंट्स याद करने, दैट्स इट मेरे बच्चों, 3 पॉइंट्स है। अरेंजमेंट रूट में तो अरेंजमेंट सेम ही रहेगा, चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट, तो अरेंजमेंट क्या रहेगा, एग्जाक रहेगा। सेकेंडरी ग्रोथ, नो नो सेकेंडरी ग्रोथ, ये हो गया। अब चलिए डायग्राम बनाते हैं, फिर से एक रफ शीट निकालिए बच्चों, मैम के साथ बनाएंगे। चलिए तो सबसे पहले बच्चों बाहर वाली लेयर का नाम क्या होता है, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, जो बाहर वाली लेयर है उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है एपिडर्मिस। क्या नाम है उसका, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के बाद पास क्या है, रूट है, रूट है मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर। चलेगा चलेगा, तो रूट है क्या हमारा, यूनिसेलुलर, ठीक है। एपिडर्मिस, क्यूटिकल प्रेजेंट, नो, क्योंकि ट्रांसपिरेशन यहां होता ही नहीं है, देयर इज नो क्यूटिकुलर लाइनिंग। हाइपोडर्मिस, रूट के अंदर कभी हाइपोडर्मिस नहीं होती क्योंकि इसे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की जरूरत ही नहीं है। सो यहाँ पे नो हाइपोडर्मिस। तो सिंस हाइपोडर्मिस नहीं है तो डायरेक्टली कौन सी लेयर आएगी, अब आएगी कॉर्टेक्स की लेयर। तो ये वाली जो हमारी लेयर है इसके नीचे, ये लेयर क्या हमारी, कॉर्टेक्स लेयर। कौन सी लेयर हमारी, कॉर्टेक्स लेयर, ठीक है। अब कॉर्टेक्स लेयर के नीचे अगर हम बात करें तो फिर से कौन सी लेयर आएगी, एंडोडर्मिस। कौन सी है बच्चों, ये एंडोडर्मिस, ये हो गई हमारी एंडोडर्मिस कंडीशन। और एंडोडर्मिस के पास कौन सी स्ट्रिप्स होती है, फिर से ऑलमोस्ट सेम चल रहा है स्ट्रक्चर यार मेरे बच्चों, इसके पास भी क्या होगी, कैस्पेरियन स्ट्रिप। किससे बनी होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप, सर से याद रखना, सुब्रिन से बनी होती है। यहां तक पानी एपोप्लास्टिक, इसके आगे सिम्प्लास्टिक। अब आते हैं अंदर, ये हो गया हमारा पेरिसाइकल, ये हमारा क्या है, थोड़ा सा पेरिसाइकल, ये हो गया पेरिसाइकल। बट हियर द पेरिसाइकल डज नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकॉट्स में पेरिसाइकल सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करता है। अब रेडियल अरेंजमेंट है, ये हो गया जाइलम, ये हो गया फ्लोएम, ठीक है, ये हो गया जाइलम, जाइलम 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 जाइलम, ये हो गया फ्लोएम 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 फ्लोएम। सो व्हाट इज वन, टू डिफरेंसेस है। अगर आप दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करो तो दो डिफरेंस है। क्या यहाँ स्टार बन रहा है, नहीं, यहाँ बहुत सारे जाइलम है। क्या बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे जाइलम है। सिंस यहाँ पे जाइलम का नंबर ज्यादा है, दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीआर्क कंडीशन। इस कंडीशन को और क्या कहते हैं, इस कंडीशन को पॉलीआर्क कंडीशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जाइलम आर मोर एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट, ठीक है। यहां पे जो बीच में आप पिट का साइज देख रहे हो, ये क्या है, सन की तरह बड़ी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सन, अंडा है ये सूरज की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिट का साइज होता है वो लार्ज होता है। तो ये दो डिफरेंसेस हमें दिखते हैं बिटवीन द मोनोकॉट रूट एंड द डाइकॉट रूट, ठीक है। समझ में आया बच्चों, यस यस, जल्दी बताइए। अब एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा बनाया हुआ है, नोट्स अच्छे से मैंने बना रखे हैं, जैसे कि जब मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूं तो आपको कोई भी दिक्कत ना इस चैप्टर को रिवाइज करने में। तो पॉलीआर कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जाइलम आर मोर, पिट का साइज क्या है, लार्ज है, रेडियल वैस्कुलर बंडल है, रूट का तो अरेंजमेंट एग्जैक्ट ही रहेगा। तो दो पॉइंट सेम रहेंगे, चाहे डाइकॉट रूट हो या मोनोकॉट रूट हो, बस दो पॉइंट का डिफरेंस है, दैट इज नंबर ऑफ जाइलम एंड द साइज ऑफ द पिट। समझ में आ गया बच्चों, चलिए अब आगे चले, क्लियर, एक बार यार बता दो चैट बॉक्स में। अब हम चलेंगे स्टेम पे, डाइकॉट स्टेम से मुझे क्या याद आता है कि बहुत सारे लोग स्टार को देखने आए हैं। यस नोरा, ये नोरा, यस आ जाओ, चलो कौन कौन नोरा को देखने चलेगा मेरे साथ, आ जाओ भाई। अब आते हैं डाइकॉट स्टेम, कुछ इस तरीके से स्टार शेप दिख रहा है, बहुत सारे लोग हा कर रहे हैं। अब ये डायग्राम हम फिर से खुद बनाएंगे बच्चों, आर यू ऑल सेट टू मेक दिस डायग्राम विद मी। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद दिस डायग्राम, कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं वापस से। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं डाइकॉट का स्टेम, ठीक है। नाउ जब हम स्टेम की बात करते हैं
तो यहाँ पे मैं एंडार्क अरेंजमेंट की बात करती हूँ या एग्जार्क अरेंजमेंट? पी के अंदर आया तो तुझे सूद दूंगी नालायक। यस, तो सबसे पहली चीज, जैसे ही स्टेम आता है तो एक चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, दैट इज योर एंडार्क अरेंजमेंट, एंडार्क अरेंजमेंट, ठीक है। दूसरी चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। सिंस ये डाइकॉट है तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी, यहाँ पे कॉन्जॉइंट रहेगा। अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर सिस्टम क्या है? कॉन्जॉइंट, जाइलम फ्लोएम साथ रहेंगे क्योंकि बसंती गुंड में फंस गई, ठीक है, क्योंकि स्टेम है ना, स्टेम अकेली है और बहुत सारे प्रीडेटर्स आने वाले उसे खाने के लिए, तो उसे अपने आप को बचाना है, तो जाइलम और फ्लोएम साथ साथ रहते हैं मेरे बच्चों, कॉन्जॉइंट। तो यहाँ पे जो कॉन्जॉइंट है वो भी सिंस सेकेंडरी ग्रोथ है तो कौन से टाइप का होगा? ओपन टाइप का। कौन से टाइप का होगा? ओपन टाइप का, ठीक है। ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट विद द डायग्राम। आ जाओ, लेट स्टार्ट विद द डायग्राम। चलो, तो सबसे बाहर वाली लेयर है, जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसका फिर से क्या नाम है बच्चों? एपिडर्मिस। क्या नाम है? एपिडर्मिस। क्या नाम है? एपिडर्मिस। और यहाँ पे रूट हेयर नहीं है, ट्राइकोम्स है। क्या है बच्चों? ट्राइकोम्स। क्या है? ट्राइकोम्स। ये जो ट्राइकोम्स है, ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर? ये हमारे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। अब बेटा एक बात बताओ, इसको तो स्ट्रेंथ चाहिए क्योंकि ये तो अकेली खड़ी है ना। यस, शी इज स्टैंडिंग अलोन। तो इसके एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर है जो सिर्फ स्टेम में मिलती है, रूट में कभी नहीं मिलती है। उसका नाम क्या है बताओ चैट बॉक्स में? उसका नाम है हाइपोडर्मिस। क्या नाम है उसका? हाइपोडर्मिस। सिंस यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होने वाली है तो हाइपोडर्मिस डाइकॉट के केस में किससे बनी होती है? कोलेनकाइमा से। किससे बनी होती है बच्चों? कोलेनकाइमा की बनी होती है, ठीक है। अब हाइपोडर्मिस के नीचे क्या है हमारी? एंडोडर्मिस। इसके नीचे भी एक और लेयर है बच्चों, उस लेयर का नाम क्या है? एंडोडर्मिस। बट एक बात बताओ, क्या इसके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी? इसने तो पानी अब्सॉर्ब करना ही नहीं है, तो इसके पास स्ट्रिप होने का कोई फायदा है? तुम्हें लगता है ऐसा? इसने कभी पानी अब्सॉर्ब नहीं करना, ठीक है, पानी सारा रूट ने अब्सॉर्ब करना है, रेगुलेशन वहां पे जरूरत है। इसको जरूरत है? नहीं, इसको जरूरत ही नहीं है पानी की। तो क्या यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी? कॉमन सेंस लगाओ बस चैप्टर पे, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर एब्सेंट, यहाँ नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा क्या आता है? हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ठीक है। अब आएगा हमारा पेरिसाइकल, जो भी अब स्टील वाला पार्ट करे। अब देखो यहाँ पे लोग झांक रहे हैं, ये देखो, पहले तो लोग बना लो झांकते हुए, ठीक है। यहाँ पे कौन जॉइंट है? तो पिट के पास क्या होगा? जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम, ओ सॉरी, ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया जाइलम, ठीक है। ये बन गया स्ट्रक्चर, ये दोनों साथ में, सिंस ये दोनों साथ में है मेरे बच्चों, तो ये हो गया कॉन्जॉइंट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। बट यहां पे अभी सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। और यहां पे हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है पेरिसाइकल। क्या प्रेजेंट है बच्चों रिड्यूस फॉर्म में? पेरिसाइकल। तो यहां ऊपर प्रेजेंट है पेरिसाइकल, जो अभी क्या बनाने वाला है? सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और यहां पे बीच में प्रेजेंट होती है मेडुलरी रेज। क्या प्रेजेंट होती है? मेडुलरी रेज। तो ये हो गया हमारा एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। यस, बताइए चैट बॉक्स में, समझ आया या नहीं आया? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। मैं कह रही हूँ बच्चों, इससे इजी चैप्टर कोई नहीं होगा। मुझे पहले दिन इतनी मौत आई इस चैप्टर को पढ़ने में, बट वंस आई अंडरस्टूड, वंस आई मेड माई ट्रिक्स, मैंने बाकी का चैप्टर आज 2 घंटे में कंप्लीट किया है। मेरे को खैर डायग्राम सुनाने में बहुत टाइम लगा आप लोगों के लिए, बट मैं सच बता रही हूँ, इतना इजी चैप्टर था, मेरे दिमाग में छप चुका है पूरा चैप्टर, क्योंकि इट इज सो ऑब्वियस चैप्टर है यार, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो क्यूटिकुलर लाइनिंग है। क्यों क्यूटिकुलर लाइनिंग है? पानी उड़ने का डर है ना भाई, जहां पानी उड़ने का डर होगा वहां क्यूटिकल लाइनिंग प्रेजेंट होगी, अभी पत्तियों में भी बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ट्राइकोम्स प्रेजेंट है जो मल्टी सेलुलर है,
एपिडर्मिस पैरेन्काइमा की बनी है, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी है, क्योंकि इसे स्ट्रेंथ देनी है। फिर आपके पास कॉर्टेक्स, यहाँ बीच में पिट प्रेजेंट है, यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है, एंडार्क अरेंजमेंट है, ठीक है। पेरिसाइकल यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा का बना, बहुत छोटा हो गया, सेमी लूनार पैची फॉर्म में हो गया है, ठीक है। और हो गए मेडुलरी रेस, समझ में आ गया बच्चों? एक बार जल्दी चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे। तो यहाँ पे पिट का काम क्या है, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड, तो फूड कंडक्शन मेन काम होगा पिट का इन द स्टेम। अब आते हैं हम मोनोकॉट स्टेम, चलिए स्टार्ट कर। अच्छा, मोनोकॉट स्टेम से याद आया, सन में दीदी क्या पहनती थी, चुनरी चुनरी, चुनरी चुनरी, है ना, चुनरी चुनरी, यानी कि कुछ चुन्नी जैसा बनाना है, चुन्नी बाबू जैसा बनाना है, ठीक है। पहले तो याद करो, अगर कभी भूल जाना कि यार मेरे मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहा, तो ये बना दी चुन्नी, ठीक है। अब चुन्नी क्या है, एपिडर्मिस है, उसके पास भी ट्राइकोम्स है, इसके पास भी क्यूटिकुलर लाइनिंग है, इसके पास भी हाइपोडर्मिस है। यहाँ पे हाइपोडर्मिस क्लेरेनकाइमा की बनी है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है ना, इसे स्ट्रेंथ चाहिए, तो यही है इसके पास स्ट्रेंथ के लिए, और कुछ नहीं है इसके पास। फ्यूचर में अंबानी वाला पैसा नहीं आएगा, खुद से बनाना है जो बनाना है। फिर बंडल शीट सेल है स्क्लेरेनकाइमा। अब देखो यहाँ पे कॉन्जॉइंट है स्टेम में, कॉन्जॉइंट रहेगा वास्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम, बट बीच में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम नहीं रहेगा, बिकॉज मोनोकॉट्स कभी शो करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये चुन्नी की तरह दिख रहे हैं ना, फैले हुए हैं, तो बाहर की तरफ स्मॉल साइज के दिखेंगे, अंदर की तरफ लार्ज साइज के दिखेंगे। बताओ जरा, मुश्किल हुआ? चलो आओ इसकी आप समरी देखते हैं, ठीक है। लेट्स डू द समरी बिफोर वी स्टार्ट विद द एनाटॉमी ऑफ लीफ, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे डायकॉट स्टेम, यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम। चलो मैं क्वेश्चन पूछूं, फटाफट से आंसर देना। सबसे पहले ओके, अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल का क्या अरेंजमेंट है दोनों में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कंजॉइंट क्लोज, यस, यहाँ पे कंजॉइंट क्लोज, कंजॉइंट ओपन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जाइलम का अरेंजमेंट, एंडार्क एग्जार्क, एंडार्क एग्जार्क, एंडार्क एग्जार्क, जल्दी बताओ। तो अगर यहाँ पे बात करें तो दोनों में एक ही अरेंजमेंट है, एंडार्क, दोनों में, क्योंकि दोनों स्टेम है ना, ठीक है। तीसरी चीज, यहाँ पे पेरिसाइकल, सॉरी यहाँ पे हाइपोडर्मिस किससे बना है, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हाइपोडर्मिस किससे बना है बच्चों, कोलेनकाइमा से, जबकि मोनोकॉट्स में यही चीज क्लेरेनकाइमा की है, क्योंकि उसके पास सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो कैसा है हमारे बंडल्स का, ये बेसिकली स्टार शेप्ड अरेंजमेंट, और यहाँ पे हम देखें तो इट इज मोर स्कैटर टाइप ऑफ अरेंजमेंट, बस दैट्स अ डिफरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करें, अभी कितना टाइम हुआ है, हमें सेशन शुरू हुए 32 मिनट, काफी अच्छा कर रहे हैं हम। अब आज बस खत्म होने वाला चैप्टर लीफ, फिर उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ, उसके बाद तुम अपने घर में अपने घर, चैप्टर खत्म, यस मैम। ओपन क्लोज उल्टा है, अच्छा हाँ सॉरी, हाँ ये ओपन होगा, ये क्लोज होगा, बिल्कुल सही, यस बिल्कुल सही, हाँ सॉरी, बट आपने पकड़ा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, यस आपने पकड़ा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, एनाटॉमी ऑफ लीफ। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है इतना बड़ा डायग्राम मैम, बट ये इतना प्यारा सा डायग्राम है, मजा आ जाएगा। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद एनाटॉमी ऑफ लीफ, लीफ की बात करें तो हमारे पास दो तरह की लीफ होती है, एक होती है डॉर्सी वेंट्रल, एक होती है डॉर्सी वेंट्रल, और एक होती है आइसोलेटरल। डी माने डाइकॉट, डी माने डाइकॉट, ये क्या कह रहे हैं कि डॉर्सल और वेंट्रल सर्फेस अलग अलग होगा, डायकॉट्स में दोन है, तो यानी कि डॉर्सी वेंट्रल है, डी से डी, डी से डी, डी डी डी, ठीक है, यानी कि ऊपर और नीचे अलग दिखेगा, मन में कुछ, चेहरे पे कुछ, ऐसा दिखेगा। आइसोलेटरल क्या है, आइसो मींस वन, यानी कि सिंगल, जस्ट लाइक मोनोकॉट्स, मोनोकॉट भी अकेला है, ये भी अकेला है, ठीक है बच्चों। तो पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए। अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ। नाउ व्हेन आई सी एनाटॉमी ऑफ लीफ, देखो बेटा जब किसी में बहुत ज्यादा ऐब होते हैं ना, तो इंसान नीचे गिरता चला जाता है अपनी लाइफ में। क्या क्या कैसे याद किया हमने, जब किसी के अंदर बहुत ऐब होते हैं ना, ऐब ऐब समझो बुराई, तो वो नीचे गिरता चला जाता है अपनी जिंदगी में। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। यहाँ पे आप ध्यान से डायग्राम आप देखो तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, दिस इज एपिडर्मिस, नीचे वाली भी क्या है, एपिडर्मिस, ये पत्ती है, पत्ती के ऊपर भी एपिडर्मिस, नीचे भी एपिडर्मिस, ठीक है।
बट ना ऊपर वाले को एडेक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, नीचे वाली क्या है, ऐब है ना, बुराई से इंसान नीचे गिर रहा है, बच्चों मैं क्या करूं, तो इसे एबेक्सियल कहते हैं। ठीक है, एडेक्सियल ऊपर, एबेक्सियल ऐब तो नीचे जा रहा है, एबेक्सियल। ठीक है, दोनों तरफ क्यूटिकल लाइनिंग है क्योंकि दोनों तरफ से ट्रांसपिरेशन बचाना है, बट ऊपर ज्यादा सन की रेज गिर रही है तो यहाँ पे स्टोमेटा कम होगा, नीचे इतनी रेज नहीं आ रही तो स्टोमेटा यहाँ ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद है एडेक्सियल एपिडर्मिस, उसके बाद है हमारे मीजोफिल जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्लांट फिजियो में मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह का मीजोफिल होता है। स्पॉन्जी क्या होता है, उसपे कूदो और नीचे गिरो, कूदो और नीचे गिरो, तो स्पॉन्जी लेयर नीचे होगी, कोई भी चीज कूदेगी तो नीचे गिरेगी ना। तो मीजोफिल, दो तरह का मीजोफिल है, एक पैलिसेड और एक क्या है, स्पॉन्जी। पैलिसेड में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है जैसे आपको दिख रहे हैं, बट स्पॉन्जी मीजोफिल में एयर कैविटीज बनी हुई है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में धसा होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होता है ऑन द लोअर सर्फेस, ऊपर सर्फेस पे कम होता है, और यहाँ पे स्टोमेटल स्पेस भी प्रेजेंट होता है। और जब भी हम डाइकॉट लीफ की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट रेटिकुलेट विनेशन, यहाँ पे कॉन्जॉइंट क्लोज, नो सेकेंडरी ग्रोथ। समझ आया नहीं आया, लीफ की एनाटॉमी देख लो एक बार। यस, सबसे पहले हमने क्या किया, द अपर मोस्ट लेयर इज क्यूटिकल, फिर कौन सी लेयर है हमारी, एडेक्सियल एपिडर्मिस, पैलिसेड लेयर जिसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, क्लोजली पैक्ड है, फिर उसके नीचे स्पॉन्जी लेयर, स्पॉन्जी लेयर में एयर कैविटीज है, तभी तो कूद पा रहे हो ना नालायक। ठीक है, फिर उसमें एयर कैविटीज भरी हुई है। ठीक है, फिर नीचे स्टोमेटल स्पेसेस हैं, मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा है टू मिनिमाइज द ट्रांसपिरेशन। फिर नीचे एबेक्सियल जिसमें एयर होता है वो नीचे गिर जाता है जिंदगी में। ठीक है, फिर क्यूटिकुलर लाइनिंग है, और जब भी हम डाइकॉट लीफ की बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट रेटिकुलेट विनेशन, दैट इज अ ब्रांच्ड वाला। समझ आ गया, चैट बॉक्स में बताओ। यस, आलू का पराठा खा रहा हूं पढ़ते पढ़ते। ये देखो यहाँ टीचर जिंदगी झंड करके अपनी पढ़ने बैठा था, और इन्हें देखो, मोनोकॉट लीफ आइसो बायलेटर, आइसोवेंट्रल ने आइसो, आइसोलेटर ने आइसो बायलेटर, मतलब कि द सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड। ठीक है, तो ऊपर वाला क्यूटिकल, ये देखिए ऊपर वाला क्या है, क्यूटिकल है टू प्रिवेंट द वॉटर लॉस, एडेक्सियल है इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, एबेक्सियल है इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, सब स्टोमेटल स्पेस है, बट यहाँ पे मीजोफिल सिंगल है ना, तो हर चीज सिंगल रहेगी, कोई पैलिसेड कोई यहाँ पे नहीं है। ठीक है, स्पॉन्जी मीजोफिल, यहाँ पे सिर्फ एक ही मीजोफिल है, दैट इज मीजोफिल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। कोई कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट ग्रासेस, ग्रासेस का PYQ कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रासेस में क्या होता है बेटा, जो ये अब ये जो ऊपर के एपिडर्मल सेल्स है ना, ये वाले ये मॉडिफाई कर जाते हैं इनटू बुलिफॉर्म सेल। ठीक है, अगर इनमें बहुत पानी है तो घास बिल्कुल कड़क खड़ी रहेगी ऐसे। ठीक है, और अगर इनके पास बेचारों के पास पानी नहीं है ना, तो वो ऐसे मुड़ जाएगी ऐसे। ठीक है, ठीक है, आगे ड्राइक्लीन वाला, हाँ गिन के दे दे, समझ रहे ना। ठीक है, अच्छा सॉरी बेटा, ना घर की खोल देते कभी भी यार। यस, तो यार क्या होता है, वो ऐसे रहता है, तो यानी कि इसमें क्या होता है, जब पानी कम होता है तो विल्टिंग हो जाती है, बुलीफॉर्म सेल्स, रोलिंग ऑफ लीव्स ड्यूरिंग ड्राउट ऑफ लो वाटर कंडीशन। ठीक है, विल्टिंग, सॉरी यार सॉरी। तो यहाँ भी क्या है ना, पैरेलल विनेशन है, क्या है बेटा, पैरेलल विनेशन। हमेशा मोनोकॉट्स में MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट याद रखना, पैरेलल विनेशन होगी, और ये कर्लिंग क्यों होती है लीव्स की, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर। समझ में आ गया, जल्दी बताओ बेटा चैट बॉक्स में। Yes, everyone. तो bulliform cells are monocots. Monocots में है, grasses में है, to prevent the water loss, इसलिए curling होती है। ठीक है, yes. Done? घर की अच्छी बहू, मेरी जिंदगी झंड है, सर बता रही हूँ। Thank you.
चलिए नेक्स्ट पे पीडीएफ दे दूंगी बेटा, मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। इससे बेहतरीन नोट्स आई डोंट थिंक सो ऑन पॉइंट। मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है, मैंने बड़े बड़े पैसेजेस भी पढ़े हैं, सब मैंने इसके अंदर डाला है सब कुछ। अब आते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। चलो बेटा सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती है पहले तो जल्दी बता दो, चैट बॉक्स में आंसर ठोको चैट बॉक्स में। अगर सेकेंडरी ग्रोथ की बात करोगे तो मोनोकॉट्स की कभी बात नहीं करोगे, क्योंकि मोनो सिंगल होता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ किस में मिलती है? डायकॉट स्टेम में भी मिलेगी, रूट में भी मिलेगी, और जिम्नोस्पर्म्स के रूट और स्टेम में भी मिलेगी। यानी कि जिम्नो में भी वही हो रहा है जो डायकॉट में हो रहा है और रूट में हो रहा है। ठीक है, अब ये कहां से आया? ये आया लेटरल मेरिस्टम से। लेटरल मेरिस्टम होता है जो तीन तरह का होता है। ठीक है, एक वैस्कुलर कैम्बियम है जो कि हमारे वैस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम के पास होता है, एक है कॉर कैम्बियम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर। इंट्राफेसिकुलर क्या है मैं अभी बताती हूँ। इंट्राफेसिकुलर वो है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, मेरिस्टमैटिक लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू, उसे बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंटर क्या है? ये हमारा क्या है? जाइलम फ्लोएम, ये हमारा जाइलम फ्लोएम। इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होगा, ये देख रहे हो, इन दोनों के जो बीच में प्रेजेंट होगा वो होगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। मतलब समझ में आया? मतलब समझ में आया नहीं आया? यस बिल्कुल बताओ। तो अब यहाँ पे हम प्लांट को मोटा करने वाले हैं, गर्थ इंक्रीज करने वाले हैं, जैसे हाल ही में मैं मोटी हुई हूं वैसे। ठीक है, आ जाओ। चलिए सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट स्टेम। तो सबसे पहले हम स्टेम में देख रहे हैं। अगर हम स्टेम की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट एंडार्क अरेंजमेंट, वी टॉक अबाउट ओपन कॉन्जॉइंट। ये बातें मैंने तुम्हें तीन रटवा दी है। अब इसमें सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग करेंगे। बेटा इसे बहुत ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, ये मेरा जाइलम फ्लोएम है, ये भी जाइलम फ्लोएम है, ये भी जाइलम फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, जाइलम फ्लोएम में सारा, इन दोनों के बीच में क्या है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। क्या है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, और दो कॉन्जॉइंट के बीच में जो आपको एक रिंग लाइक रेड कलर के मेडुलरी रेज दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं बेटा? मेडुलरी रेज डायग्राम में। ये मेडुलरी रेज पहले पैरेन्काइमेटस थे, पहले क्या थे? पैरेन्काइमेटस। ठीक है, अब ये पैरेन्काइमेटस सेल डिफरेंशिएट होके मेडुलरी रेज बनाते थे। ठीक है, अब मेडुलरी रेज वापस से डिफरेंशिएट होगा एंड इट फॉर्म्स पैरेन्काइमा सेल्स। दिस फॉर्म्स सेकेंडरी मेरिस्टम एंड दिस विल शो सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अब मैं वापस से एक बार समझा देती हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है आराम से समझते हैं। ये क्या है मेरा? जाइलम फ्लोएम। ये क्या है मेरा? जाइलम फ्लोएम। ये भी है जाइलम फ्लोएम, ये भी है जाइलम फ्लोएम। इन दोनों के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट है वो कौन सा है? इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। इतना समझ में आया सब बताएंगे चैट बॉक्स में। ये है इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। इन दोनों के बीच में थी मेडुलरी रे। क्या थी? मेडुलरी रे। अब ये मेडुलरी रे कुछ काम की नहीं रही, तो इसकी स्टोरी क्या है? पहले ये पैरेन्काइमेटस थी, डिफरेंशिएट हुई, मेडुलरी रे बनी, फिर डी डिफरेंशिएट हुई, वापस से पैरेन्काइमेटस बन गई। और ये पैरेन्काइमा जो बना है, दिस इज माय सेकेंडरी मेरिस्टम। ये सेकेंडरी मेरिस्टम है क्योंकि दूसरी बार डी डिफरेंशिएशन के बाद बना है ना, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ। तो अब जो ये मेडुलरी रे, अभी मेडुलरी रे नहीं रहा, अब ये बन चुका है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बन चुका है बच्चों? अब ये डी डिफरेंशिएशन के बाद इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बन चुका है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो यहां पे आप देखो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या कैम्बियल रिंग बोल सकती हूँ? यस और नो? क्या मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को कैम्बियल रिंग बोल सकती हूँ? यस और नो? जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में। अगर तुम लोग अभी भी सीरियस नहीं हो ना पढ़ने के लिए, तो नीट तो तुम लोग भूल जाओ। सब बता रही हूँ, हद होती है यार, हद होती है। नहीं सीरियस हो बताओ ना, अगर समझ नहीं आ रहा तो भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। वापस और ज्यादा दम लगा के पढ़ाऊंगी, बट पढ़ाऊंगी तुम्हें, याद करा के जाऊंगी। इस चैप्टर से प्यार हो जाना चाहिए तुम्हें, इतने अच्छे से पढ़ना है ये चैप्टर। तो हुआ क्या, यहाँ पे मेडुलरी रे थी, ये मेडुलरी रे पहले पैरेन्काइमा थी, डिफरेंशिएट हुई मेडुलरी रे बनी, फिर डी डिफरेंशिएट हुई पैरेन्काइमा बनी,
अब ये पैरेन्काइमा जो है लेटरल मेरिस्टम बन चुका है, अब ये दिखाएगा सेकेंडरी ग्रोथ। अब यहाँ पे एक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये इंट्राफेसिकुलर, फिर इंटर, फिर इंट्रा, फिर इंटर, फिर इंट्रा, तो ये एक कंप्लीट रिंग बन चुकी है जिसे हम बोलते हैं कैम्बियल रिंग, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज सुनो, बड़ी जबरदस्त चीज बताती हूँ। ये जो है ये हमारा क्या है, वैस्कुलर कैम्बियम, इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम है ये। क्या ये मेरा इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम? अब देखो होता क्या बेटा, ये इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम जहां पे बहुत ज्यादा ग्रो करता है, ठम 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 ठम, तो प्राइमरी जाइलम ये हो गया, ये हो गया सेकेंडरी जाइलम। फिर इसने ग्रो ऊपर भी शुरू किया, बट यहाँ धीरे ग्रो कर रहा है, नीचे की तरफ ज्यादा ग्रो कर रहा है, ऊपर की तरफ कम ग्रो कर रहा है। दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम एंड दिस इज माय प्राइमरी फ्लोएम। अब हुआ क्या, ये सेकेंडरी जाइलम इतना ज्यादा हो गया कि इसने वुड बना ली। तो जितना भी सेकेंडरी जाइलम है ये क्या बनाता जा रहा है, वुड बनाता जा रहा है। तो इस तरफ पिट की तरफ क्या जा रहा है, प्राइमरी जाइलम। बेचारे प्राइमरी जाइलम को जगह नहीं मिली तो वो पिट की तरफ जा रहा है, और बीच में जितना एरिया है वो सारा सेकेंडरी जाइलम है, एंड दिस फॉर्म्स द वुड। क्या बना रहा है, दिस फॉर्म्स द वुड। ठीक है बच्चों, एनी गर्ल हियर? भाग्यांश से नालायक कहीं का, यूट्यूब पे इसलिए पढ़ाने का मन नहीं करता, इनको आशिक बाजी से फुर्सत नहीं मिलती है। एनी गर्ल हियर? चाटा हियर? वॉन्ट सम चाटा? नालायक कहीं के, एक नंबर के। चैट बॉक्स ना हो गया, आशिकी के अड्डे हो गए इनके। लाइक कौन करेगा भाई सेशन? कॉलेज भी करा रही हूँ बेटा, सब तो करा रही हूँ, पढ़ पढ़ के भी करा रही हूँ, तुम लोग के लिए सब करा रही हूँ। इसी लकड़ी से बजा दो। तो अगर नीट में क्वेश्चन आता है भाई वुड किससे बना, तो आंसर क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम से बना। अगर नीट में क्वेश्चन आता है वुड किससे बना, सेकेंडरी जाइलम से बना। ठीक है, अब आ जाओ इसको देखते हैं। तो ये कैम्बियल रिंग फॉर्मेशन समझ में आ गया सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये देखो बेटा, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, अदर टिश्यूज आर क्रश्ड। अब ये अंदर से बेचारा बढ़ता जा रहा है, इन यहाँ पे एपिडर्मिस है, इन इन बेचारों को जगह ही नहीं मिल रही रहने के लिए। यहाँ एपिडर्मिस है, ये यहाँ से बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ जरा, क्या होगा? बाकी सब तो क्रश ही हो जाएंगे ना। अगर एक बुलेरो गाड़ी में एक मोटी आंटी आके बैठ जाए तो बाकी सबका क्या होगा? कभी मेट्रो में गए हो? अगर मोटा इंसान कोई आके बैठ जाए थोड़ी सी जगह में, तो कर करके दूसरों को पिचका देता है। तो ऐसे ही हो रहा है, सेकेंडरी जाइलम जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा बाकी के सारे पिचकते जाएंगे, बाकी सब क्रश होते जाएंगे। ठीक है, नाउ एवरीथिंग आउटसाइड वैस्कुलर कैम्बियम इज बार्क। वैस्कुलर कैम्बियम से बाहर जो भी होगा वो सबका सब बार्क कहलाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं कैसे। ये देखो बेटा, ये पिट है, यहाँ पे प्राइमरी जाइलम है, ये हमारा सारा सेकेंडरी जाइलम है क्योंकि इससे ज्यादा जगह चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा वैस्कुलर कैम्बियम है। ठीक है, अब वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी है वो सारा बार कहलाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम, यहाँ होगा प्राइमरी फ्लोएम, यहाँ होगा पेरिसाइकल, यहाँ होगा एंडोडर्मिस, यहाँ होगा कॉर्टेक्स, यहाँ पे होगा हमारा एपिडर्मिस। तो यानी इतना हिस्सा जो है ये सारा बार्क कहलाता है। क्या कहलाता है ये सारा हिस्सा, क्या कहलाता है, बार्क कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा पिट है, पिट में प्राइमरी जाइलम है, फिर ये जो मोटा हिस्सा मैंने पूरा बनाया है, दिस इज ऑल सेकेंडरी जाइलम, दिस रिंग इज वैस्कुलर कैम्बियम, इसके बाहर सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल, फिर आएगा हमारा एंडोडर्मिस, फिर आएगा कॉर्टेक्स, फिर आएगा एपिडर्मिस। ये जितना हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज बार्क। क्या बोलेंगे इसको, बार्क बोलेंगे। समझ आया बच्चों? यस, तो ये हमारा सेकेंडरी ग्रोथ का बहुत सारा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे स्प्रिंग एंड ऑटम वुड। इन दोनों में क्या बेटा, स्प्रिंग सीजन क्या होता है, गर्मियों का। ठीक है, ये उन प्लांट्स में मिलता है जो टेम्परेट रीजन में होते हैं, जहां टेम्परेचर डिफरेंस होता है समर और विंटर का। ठीक है, इससे हम एस्टिमेट करते हैं कि कितनी उम्र है इस पेड़ की।
तो होता क्या है, जब स्प्रिंग सीजन आता है, गर्मियों का सीजन आता है, तो बहुत जल्दी सेकेंडरी जाइलम बनता है, और जो सेकेंडरी जाइलम उस टाइम बनता है वो बहुत मोटा मोटा बनता है। जबकि अगर मैं ऑटम वुड की बात करूं तो इस टाइम पे बहुत धीरे सेकेंडरी जाइलम बनता है और बहुत पतला बनता है। तो सिंस ये बहुत पतला बनता है तो ये डार्क अपियर करता है, और जब ये लाइटर बनता है, जब ये मोटा बनता है तो ये लाइटर इन कलर है। तो हम हाउ डू वी एस्टिमेट द एज, तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। एस्टिमेट कैसे करेंगे, ये देखिए, अंदर वाला हिस्सा तो हार्ड वुड है पूरा, डार्क वाला, अभी बताऊंगी क्या होता है ये। ये देखिए, ये डार्क सर्कल है, यानी कि ये डार्क सर्कल कब बना होगा, ऑटम में, ठंडी में। ये लाइट वाला मोटा हिस्सा है, ये कब है, स्प्रिंग वुड। तो यानी कि दो सर्कल मतलब 1 ईयर हो चुका है। तो यानी कि जो मैंने डायग्राम अभी बोर्ड पे बनाया है उसके हिसाब से कितनी प्लांट की उम्र है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। यस यस, जल्दी बताओ। 2 साल, 2 साल, 4 बनाएंगे ना, 4 इंच बनाएंगे, यानी कि 2 साल, ठीक है। अब आते हैं हार्ट वुड। हार्ट का होता है दिल में रहता है, वो मेरे दिल में कौन रहता है मुझे नहीं पता, ठीक है। यस, दिल में रहता है यानी कि अंदर की तरफ। हार्ट वुड इज इनर, सैपवुड इज बाहर का। तो अब हार्ट वुड की अगर बात करें तो ये इनर सेकेंडरी जाइलम से बनी है। यहाँ पे बहुत सारी चीजों का डिपोजिशन हो जाता है, जैसे टैनिन्स, रेजिन, ऑयल एंड गम्स। ये बहुत हार्ड होती है, ड्यूरेबल होती है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होती है, और यहाँ पे किसी तरह का वाटर कंडक्शन नहीं होता है। जबकि सैपवुड पेरिफेरल पे प्रेजेंट होती है, लाइटर इन कलर है, और यहाँ पे कंडक्शन ऑफ वाटर हो पाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवुड एंड सैपवुड, ठीक है। चलो अब आते हैं कॉर्ड कैम्बियम। दिस इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, कॉर्ड कैम्बियम क्या है देखते हैं। यहाँ पे बेटा फेलोजन यानी जनरेशन, ये किससे डेवलप हुआ है, डेवलप्स इन कॉर्टेक्स रीजन। कहाँ जनरेट होता है फेलोजन, कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है। टूटा हुआ कॉर्टेक्स जो सेकेंडरी अभी ग्रोथ की थी ना हमने, थोड़ा सा कॉर्टेक्स जो क्रश हो गया था, वही वापस से डिडिफ्रेंशिएट कर जाता है इनटू पैरेन्काइमेटस से, ठीक है। फ्यू लेयर्स ठीक है फॉर्म कॉर्क, ये कॉर्क बनाता है कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम जिसे हम फिलम कहते हैं, ऑन द आउटसाइड इनपर्वियस टू वाटर, क्योंकि इसमें सुबरिन डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोडर्म ऑन द इनसाइड, अंदर की तरफ क्या बना है फेलोडर्म, बाहर की तरफ बना है फिलम, बीच में है फेलोजन जो जनरेट करेगा इन्हें पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। तो कॉर्क कैम्बियम हमारा मेरिस्टम है, बाहर की तरफ ये क्या बनाता है फिलम, ठीक है, जो डेड है, सुबरिन से बना है, किससे बना है ये सुबरिन से। वहीं पे अंदर की तरफ ये क्या बना रहा है फेलोडर्म, इन तीनों को मिला के हम पेरिडर्म कहते हैं। तो यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, इम जिन डर्म, इम जिन डर्म, ठीक है, फिलम, फेलोजन, फेलोडर्म। ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज में बहुत सारे, इसलिए मैंने एक इक्वेशन की फॉर्म में आपके लिए लिख दिया है। नेक्स्ट आते हैं बार्क। बार्क भी दो तरह का, अर्ली एंड सॉफ्ट बार्क। ये फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन, जो पहले बनता है सीजन में, जो बाद में बनता है सीजन में उसे हम हार्ड बार्क कहते हैं, जो कि एंड ऑफ द सीजन में बनता है। नाउ द लास्ट टॉपिक वी हैव सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। यहाँ पे कैम्बियल रिंग बनी हुई है पेरिसाइकल से, पेरिसाइकल मेरिस्टमैटिक, यानी कि ये डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं टू फॉर्म द मेरिस्टमैटिक टिश्यू विच फॉर्म्स अ कैम्बियल रिंग। हो गया चैप्टर कंप्लीट। यस, बताओ क्या कंफ्यूज हो गए, कहाँ कंफ्यूज हो गए बताओ मैम को चैट बॉक्स में। ये चैप्टर का अगर मैं वन शॉट कराऊँ तो नॉट मोर देन 1.5 घंटा। नेक्स्ट टाइम जब मैं ये चैप्टर बताऊंगी तो 1.5 घंटे में पूरा वन शॉट कराऊंगी। यस बेटा, अब आप बताओ क्या क्या दिक्कत है, आई विल सॉल्व इट। यस खत्म, मधुरिमा के हैं खत्म, अरे एनसीईआरटी देख लेते हैं। यस खत्म हो गया, स्टोरी की फॉर्म में बताया तो बच्चों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये रहा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रे, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड कर लिया मैंने, सारे मेन डिफरेंसेस लिखवा दिया, हार्ड वुड, सैप वुड करा दिया, कॉर्ड कैम्बियम करा दिया, फेलोजन, पेरिडर्म, फेलोडर्म, फिलम, ठीक है, सॉफ्ट बार्क, लेट बार्क, ये भी करा दिया, ठीक है। लेंटिसेल्स, ये वाला पार्ट देख लेते, लेंटिसेल्स परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, वुडी ट्रीज में मिलता है लेंटिसेल्स, ठीक है। यस ग्रोथ कराई ना सेकेंडरी ग्रोथ रूट की, उसमें कैम्बियल रिंग बहुत छोटा सा बेटा, उसमें रिंग बन जाती है ना पेरिसाइकल से,
बस अब नेक्स्ट चैप्टर आई विल प्रिपेयर प्लांट किंगडम फॉर यू, ठीक है? मैं देखती हूँ उस चैप्टर में भी ऐसा क्या है कि जो उसे पढ़ाया नहीं जा सकता या मेरे को टाइम नहीं मिला पढ़ाने का। आई हैव फिनिश्ड द चैप्टर, इसके सारे नोट्स ले लेना। नोट्स मैंने बहुत प्यारे आप लोगों के लिए बनाए हैं, ठीक है? यस, 1 घंटे में लेक्चर खत्म हो गया यार, क्या है यार क्वेश्चन प्रैक्टिस कल कराऊंगी। यस हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ रूट्स में होती है बट डाइकॉट रूट्स में होती है, मोनोकॉट्स में नहीं होती, जिम्नोस्पर्म्स के रूट में भी होती है, ठीक है? और बताओ मैम, एक बार फिलम फिलम देखो क्या होता है। हमारे पास कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के सेल क्रश होने शुरू हो जाते हैं, ये कॉर्टेक्स के सेल बनते हैं कॉर्कैम्बियम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फेलोजन। ये फेलोजन जो है बाहर की तरफ क्या बनाते हैं, फिलम, और अंदर की तरफ बनाते हैं फेलोडम, ठीक है? बाहर वाला डेड होगा, वो सुब्रिन से बना है, अंदर वाला लिविंग होगा, पेनकाइमेटस, ठीक है? और बताओ। हाँ अच्छा बढ़ाया मैम, ट्रिक्स याद नहीं रहती, कितनी दो इजी ट्रिक्स हैं, कुछ याद ही नहीं करना, दो तीन चीजें याद करनी है मैम। एक बार कॉन्जॉइंट ओपन एंड क्लोज सलोनी, क्या होता है ना कॉन्जॉइंट में, ओपन क्लोज में क्या है, ओपन वाले में सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम रहेगा, और जो क्लोज वाला है वो मोनोकॉट्स में होता है, ठीक है? तो वहां पे ये नहीं रहेगा, ठीक है? यस, आज जल्दी हो गया ना, पता ही नहीं चला। यस हाँ, मेरा बाय आपके भरोसे है तो इसलिए तो करा रही हूँ। बाकी वन शॉट देखो मैम के, जितने देख सकते हो, वॉच द वन शॉट, जितने भी वन शॉट है देखो 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 यार, मैं तो खुद कह रही हूं जितने हो सके देखो देखो देखो। ठीक है, चलो बाय बच्चों।